नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी, जहां पर ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासें चल रही है। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल जैसे उच्च स्तरीय विद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको यहां पर क्लासेज अवेलेबल हो रही है। ऑनलाइन में भी सैनिक स्कूल अकेडमी एसएमजी ने ऑफलाइन की तरह सेम ऑनलाइन में भी एक सिस्टम और एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको रेगुलर क्लासेस अवेलेबल कराने का निश्चय किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हम रोजाना टॉपिक टू टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप मैथ का सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। मैं अमित शर्मा, आपका मैथ टीचर। रेश और प्रोपोर्शन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम स्क्वायर टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे। अच्छा, स्क्वायर टॉपिक में हमने क्या हुआ, बेसिक बातें कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, रेशो और प्रोपोर्शनल टॉपिक में आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है उस टॉपिक को निरंतर पढ़ते रहे। हालांकि मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये टॉपिक आपका लगातार चलता रहेगा। ये याद रखना, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसको साथ लेके चलते रहना है, तभी एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता और कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रह रहे हैं। तो देखिए, अब स्क्वायर की इनिशियल बातें हमारी हो चुकी थी, प्रारंभिक बिंदु हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। स्क्वायर को हमने मीन के रूप में देखा था। स्क्वायर का अगर आपको कोई पूछ ले मीन क्या होता है, तो सर हम बताएंगे कि सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या यही बताया था? बिल्कुल सर, यही बताया था। ठीक है, अब आगे की बात हम करेंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक से लेकर अगर हम स्क्वायर याद करने बैठ जाएं तो रट्टा लगाते जाऊं, लेकिन मैंने कहा था मेरे बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है। जिस जिस चीज़ को रटने के लिए बोला जाए केवल वो ही रटना है। केवल आपको एक से दस तक स्क्वायर रटने के लिए कहा था। इससे अच्छा क्या है कि आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखें। रटने से अच्छा तो मैं मानता हूं आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखें और क्या है, प्रैक्टिस करें। आप क्या कर पाएंगे, आप इसको कोई भी स्क्वायर आपसे पूछ ले आप कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सौ के आसपास सौ के आसपास की जो स्क्वायर है उसको हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने कहा था मेरे बच्चे को रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसे ही नहीं बोला बेटा हवा में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था और आप भी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्या था, मैंने कहा था ये देखिए बेटा, ये 95 है, 95 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 100 से कितना कम है। आप बोले सर 100 से 5 कम है। कितना कम है सर, 5 कम है। तो यहां पर जो कम है उसका स्क्वायर लिख लेना है। 25 आ गया, कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। और जो 5 कम है उसको नंबर में उसको भी 5 कम कर दीजिए। देखिए 95 है, 95 से 5 कम और कर दीजिए सर 95। मैंने बेटा यही बताया था, क्या आपको रटने की जरूरत है, क्या और किसी को रटने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बेटा एक एग्जांपल और देखिए, 106 का स्क्वायर आपको कहा था, रटोगे क्या सर, बिल्कुल नहीं रटेंगे, क्योंकि आपने बता दिया था 100 को बेस मान के 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। फिर मैंने कहा था 6 ज्यादा है, वो भी ज्यादा है, प्लस में है, तो इसको और प्लस में कर दो 6, यानी 112। क्या रटोगे क्या सर, बिल्कुल नहीं रटेंगे। क्लियर है, रटू तोता नहीं मनना है बेटा, बिल्कुल समझते चलना है। मैथ क्या है, समझने की चीज है, ठीक है, समझने का सब्जेक्ट है मैथ। रटने के लिए आपके पास और सब्जेक्ट भी है बेटा, उस पर फोकस कीजिए, लेकिन इस पर केवल अंडरस्टैंडिंग फॉलो कीजिए। आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना, वो अंडरस्टैंड की तरफ जाना चाहिए, समझने की तरफ जाना चाहिए, रटने की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आप बैठने लग जाओ और बैठ जाओ, 100 से 100 तक करके ही उठूंगा, क्या फायदा हुआ बेटा, क्या फायदा हुआ इतना बताने का। आपको केवल ये याद रखना है कि 100 के आसपास चाहे 85 हो चाहे 115 हो, आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। बेस 100 को मान के चलेंगे और हम निकाल देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्या आप अभी तक कल वाला रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, आपको क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा था बेटा, आपको एक प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था आपको रटना नहीं दूंगा। तो देखो बेटा एक नया देखो, 50 के आसपास, नियर बाई 50, 50 के आसपास क्या, अच्छा 50 के आसपास जो नंबर है उनको कैसे याद करेंगे सर, इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चों, आपको ट्रिक मिलेगी, इसकी भी आपको ट्रिक मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, देखिए आप ये ध्यान रखना, 50 के आसपास 41, 42, 43, 44, 45, एक बार बेटा लिख लो,
लिख लो क्या है, आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो आप क्लियर कर पाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नहीं आएगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेटा क्या ये अब रटोगे क्या? सर रटेंगे, अगर ट्रिक नहीं होगी तो हम रटेंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है बेटा। क्यों नहीं रटना? देखो आपको क्या मानना है, 50 से कितना कम है? सर 9 कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर यहां लिखा, लिख दिया बेटा, ये लिख दिया। अच्छा अब क्या है, इस नंबर में से ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसमें से आप 25 कम कर दो। कितने कम करोगे बेटा? सर 25 कम करेंगे, 25 कम करोगे जब क्या होगा बेटा, 41 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? अरे 41 से 25 कम किया तो कितना बचा सर? 16 बचा। क्या 16 81 का वर्ग होगा? रटोगे क्या बेटा? बिल्कुल नहीं रटेंगे ठीक है। 45 का देखो, 45 का देखो कैसे कैसे करेंगे बेटा, 50 से कितना कम है? सर 5 कम है तो 25 लिखा, 25 से 45 को माइनस करो, केवल 25, ये याद रखना है बेटा आपको, इस नंबर को 25 से माइनस करना है। कर दो, कितना आएगा बेटा 25, कितना 45 में से 0 और 2, 20-25 आएगा कि नहीं आएगा? सर 20-25 आएगा। एक ट्रिक और बता देता हूं बेटा आपको, छोटी सी, आपको केवल इस नंबर को याद रखना है, पीछे वाले को, आगे वाला देखो कैसे याद है। ये देखो 8 कम है, सर 7 कम है, सर 6 कम है, सर 4 कम है, सर 3 कम है, सर 2 कम है, सर 1 कम है, और ये तो है। कैसे करोगे बेटा? देखो कितना कम है, सर 8 कम है, लगाओ पीछे 64। सर 7 कम है, लगाओ बेटा 49। सर 6 कम है, 6 का स्क्वायर लगाओ बेटा 36। सर 4 कम है, लगाओ 16। सर 3 कम है, लगाओ 09। 09 क्यों लगाए? दो अंक लेने बेटा, दो डिजिट लेने हैं, डिजिट कितने होने चाहिए बेटा? दो ही होने चाहिए, तो 09 लगा लेंगे बेटा ठीक है। 204 लगाओ बेटा, 01 लगा लिया, और ये तो होता है बेटा 00 ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना आगे वाला, केवल ये याद है ना आपको, 16 81 ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 और क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? केवल क्या लिखा है बेटा? काउंटिंग लिखी है, गिनती लिखी है, क्या क्लियर है? एकदम ओके है सर। चेक करें, चेक करके देखते हैं, 49 का हमने लिखा है 24 01। देखो बेटा कैसे करेंगे, 49 का स्क्वायर करें, देखिए बेटा कैसे करेंगे। मैंने कहा था इसका स्क्वायर और इन दोनों का आपस में गुणा, मल्टीप्लाई करो बेटा, 36 × 2 72, 6 4 और ये कितना होगा बेटा, 81 है बेटा, 9 है 81 है, तो कितना आएगा बेटा? देखो बेटा 9 का क्या होगा, 81 होगा, कितना सर? 81 होगा, क्या 81। और देखो बेटा 1 आ गया, 72 और 8 इसको जोड़ना है बेटा, 72 में ऐड करना है 8 को, कितना हो गया, 72 में ऐड करेंगे 8 को, 80 हो गया, 08 24। क्या बेटा यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से देखो, आपकी क्लियर है क्या? एक बार ध्यान से देख लो, मुझे लगता है अब आपको 50 के आसपास और 100 के आसपास कोई भी नंबर दिया हो उसका स्क्वायर याद करना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है बेटा। रटोगे क्या? सर बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। अब भी रटने की जरूरत पड़ेगी क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं ठीक है। अब आगे कंसेप्ट देखिए बेटा, अब क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़िए बेटा। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या कहती है, गुणधर्म क्या कहते हैं बेटा? देखो गुणधर्म किसके, परफेक्ट स्क्वायर के। देखिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर के गुणधर्म देखो कैसे करेंगे बेटा। देखो अपने को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के गुणधर्म देखने हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म देखें। कैसे सर? ये क्या चीज है, क्या बला आ गई सर? देखिए बेटा एक बार आप ध्यान से देखिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको वो देखिए। पूर्ण वर्ग संख्या, आपको कोई नंबर दे दिया बेटा, कोई भी नंबर दे दिया ठीक है। जैसे आपको नंबर दे दिया बेटा 72 25, 7225 नंबर दे दिया ठीक है, 7225 ये नंबर दे दिया, और आपको पूछा बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, तो हम निकालने थोड़ी बैठेंगे बेटा, आपको चेक करना है। अब पता कैसे चले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, आप पॉइंट लगाएं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं होगा, दो
तीन सात और आठ नहीं होगा। क्लियर है क्या बेटा? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक दो तीन सात आठ नहीं होगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। इसका तो पांच दिख रहा है बेटा, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात देखिए बेटा, दूसरा क्या होगा, अगर कोई भी संख्या है जैसे ये देखिए बेटा 400 हो गया 16, अगर कोई भी संख्या है इसमें क्या होगा बेटा, जीरो की संख्या आपको जो भी देखनी होगी ना, इसके पीछे जीरो है, बिल्कुल सर जीरो। काउंट करेंगे इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, इवन नंबर तो जानते हो ना, इवन ऑड बेटा, जो दो से विभाजित होती है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए यानी डिवाइड हो दो से पूरा पूरा, रिमाइंडर यानी शेषफल अपने पास क्या बेटा, क्या बचे बेटा, जीरो बचे, वो क्या होती है इवन नंबर। और जो दो से डिवाइड नहीं हो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अपने पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाता है तो वो क्या है, वो विषम संख्या है यानी ओड नंबर है। क्लियर है बेटा, इवन ओड क्लियर करा दिया। अच्छा यानी अपने क्या हो गया कि शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, इवन, इवन होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा एक चीज और, अगर कभी भी इफ लास्ट डिजिट 5 है यानी यदि अंतिम अंक 5 है तो उसके साथ, तो उसके साथ क्या होगा बेटा, उसके साथ हमेशा 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 2 रहेगा। कोई भी देख लो बेटा, कोई भी देख लो, देख लो आप 42 25 किसका है बेटा, किसका है, तो निकालने के लिए बताया हुआ था, यह है 65 का, 65 का स्क्वायर होता है 42 25। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा था 5 के साथ क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या, ये देखो 5 के साथ कितना है, 2 है सर, 5 के साथ कितना है, 2 है, ठीक है क्लियर है। अब देखो चार बीजांक का योग, बीजांक क्या होता है बेटा, एक नया नाम आया बीजांक यानी सीड नंबर क्या होता है, देखिए बेटा बीजांक क्या होता है, बीजांक, बीजांक होता है बेटा सीड नंबर, सीड नंबर क्या होता है बेटा, देखो का योग, योग क्या होता है बेटा, 1 4 7 9 होना चाहिए। सर ये क्या बला है, देखिए सर ये क्या बला आ गई, ये क्या क्रांतिकारी लाइन लिख दिया आपने, कुछ नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 7 2 2 5 ये है, ये पूर्णवर्ग संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये पूर्णवर्ग संख्या है, मैं अभी चेक करना है, ये सारी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए बेटा तभी क्लियर होगा। देखिए बीजांक का मतलब होता है 5 2 7 2 9, 9 और 7 16, कितना हो गया 16। बीजांक का मतलब होता है सम ऑफ यून, सम ऑफ ओल्ड डिजिट, सम ऑफ ओल्ड डिजिट कर दिया, सम कर दिया ओल्ड डिजिट का कर दिया सर, लेकिन इन डिजिट का सम किया है ना, इन डिजिट का जो सम किया है बेटा वो क्या होना चाहिए, ये क्या है दो अंकों में, 2 डिजिट में, लेकिन एक डिजिट में लिखो, 6 और 1 को वापस जोड़ो, कितना आएगा सर 7 आएगा, क्या ये लिखा है क्या बेटा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और देखो बेटा, ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल देखो 42 25 वाला किसका है, 65 का स्क्वायर है, कैसे पहले ये कैसे पता चला कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये कैसे पता चला, देखो बेटा कुछ नहीं करना, 5 2 7 2 9 4 13 कितना हो गया बेटा 13 बन गया। मैंने कहा था दो अंकों में है, एक अंक में लाओ, 3 और 1 4 कितना 4, क्या ये मिल रहा है क्या बेटा, बिल्कुल सर ये हमें मिल गया, आपके क्लियर होगा बीजांक यानी शेड नंबर आपके क्लियर हो गया। सम करना है ओल्ड डिजिट का, आप सम करेंगे बेटा, कर दिया सर बिल्कुल कर दिया। मैंने कहा था अगर 2 डिजिट आए फिर भी सम करते चलो, 1 डिजिट में ले आओ, 1 अंक में ले आओ, 1 अंक में लाना है बेटा, आ गया, और वो 1 अंक कितना होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए बेटा, वही परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा क्लियर है। अच्छा एक बात और लिख लो बेटा, पांचवी बात क्या है, फिफ्थ नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अच्छा ये फैक्ट है बेटा, तथ्य लिखा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का। देखिए बेटा ये क्या है, ये है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, लास्ट के 2 अंक होंगे, वो 1 से 25 तक के जो भी स्क्वायर होंगे ना बेटा, जो भी स्क्वायर होंगे उसके अंक होंगे, उसके अंक यानी डिजिट होंगे होंगे। सर ये क्या लिखा दिया, अभी चेक कर लेते बेटा, जो लिखाया है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा बेटा, बिल्कुल भी आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल भी। देखिए ये देखो 72 25 है,
क्या ये 25 है क्या लास्ट में? सर बिल्कुल है। क्या 1 से 25 तक में आता है 25? बिल्कुल सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, ये देखिए बेटा एक और देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास, जैसे अपने को लिख के दे दिया 1681। ये देखो बेटा 1681 41 का होता है सर, होता है। लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट में क्या है? लास्ट में सर 81 है। क्या 9 का नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। मैंने कहा था अंतिम दो अंक होंगे वो किसके होंगे? 1 से 25 तक के स्क्वायर के होंगे। क्लियर है बेटा? चेक कर लो, कोई दिक्कत आ रही है तो देखो, समझने में कोई दिक्कत आ रही है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा क्या है, ये मैंने 5 पॉइंट लिखा है आपको, दोबारा देखो। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए बेटा? इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था बेटा, फिर मैंने कहा था जीरो, जीरो की जो संख्या है, जीरो को जब काउंट करने बैठोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम भी बता दिया आपको, सम वो होती है जो 2 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। क्लियर है बेटा? अगर नहीं होती है तो वो ओड हो जाती है, विषम हो जाती है। क्लियर है बेटा? अच्छा, लास्ट डिजिट अगर 5 है, अगर अंतिम अंक 5 है तो बेटा आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें देखना है कि 5 के साथ 2 लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने कहा बेटा बीजांक यानी सीड नंबर, बीजांक का योग 1 4 7 9 होना चाहिए। कैसे बेटा? सीड नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर सम कीजिए ऑल डिजिट का और उसको एक डिजिट में ले आए। ठीक है, अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो फिर सम कीजिए, सम करते रहिए जब तक वो एक डिजिट में नहीं आए, और 1 4 7 9 के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है, कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप चेक नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए उसमें क्या होगा कि उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 1 से 25 तक के स्क्वायर के होंगे। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो बेटा, अच्छा अब देखिए बेटा एक चीज, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो एक चीज देखिए, आपको अगर कोई बोल दे कि कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या जानते हो क्या बेटा? विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, कोई भी विषम संख्या है उसके स्क्वायर को हम दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के योग में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या बोले हो सर? ये देखो बेटा, मैं ये बोला हूं 9 क्या ओड नंबर है? क्या 9 ओड नंबर है क्या? सर बिल्कुल ओड नंबर है, और इसका क्या होता है बेटा, स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। अब मैं कह रहा हूं 81 को ऐसे तोड़ो कि 2 कंटिन्यू जो काउंटिंग में जो नंबर आते हैं उनके योग के बराबर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, 1 कम कीजिए और बटा में 2 कीजिए, 40 + 41 कर पाएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं बेटा, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाएंगे सर, कोई भी ले लो बेटा। देखो 13 169 स्क्वायर होता है, केवल ओड नंबर, ओड नंबर याद रखना है बेटा, ये क्या है? ओड नंबर है। लिख पाएंगे कि नहीं? 169। ठीक है, अब इसको योग में लिखना है, 2 कंटिन्यू जो नंबर आते हैं उनके योग में लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा? इसे 1 कम करो, कर दिया सर, 2 का डिवाइड करो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 84 + 85। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। एक और देख लो बेटा, क्या होता है बेटा, 441, 21 का स्क्वायर 441, इसको किसके योग में तोड़ेंगे? तो देखिए बेटा 440 बटा में 220, तो देखिए 220 + 221। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? यही आएगा, क्लियर है। अब देखिए बेटा एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, देखिए बेटा ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और देखिए आपको करना क्या है। प्रथम अन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग यानी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट। देखिए बेटा कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे बेटा? देखिए ध्यान से देखिए, एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वो होती है बेटा जो 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर है? पूर्ण संख्या वो होती है, होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है सर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो। अब समझ गया है, प्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल भी आप समझ पा रहे होंगे, PYQ फॉर्म में, जो PYQ फॉर्म में नहीं है वो अप्रिमेय, लेकिन हम बात करें बेटा प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा, अपने को क्या करना है बेटा, 1 + 3 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अपने को कह दे
कि आपको, चलो यहां पहले यहां तक देखो बेटा, इनका योग करने के लिए कहते हैं। अब हम जोड़ ऐसे जोड़ेंगे क्या, दो और एक तीन, तीन तीन छह, चार दस, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना अपने को, अपने को सब करेंगे ऐसे, लेकिन हम निकलेंगे उनसे आगे कैसे, एक दो तीन चार, कितने अंक है बेटा पहले तो काउंट करना है, कितने नंबर है सर, चार नंबर है, तो चार को गुणा करना है बेटा चार प्लस एक से। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला लिखो पहले, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अन एन प्लस में वन बटा में दो, कैसे होगा, एन का मतलब क्या है, इनको गिनते हैं जो आंसर आता है, इनको गिनना है बेटा, काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करने के बाद में जो आंसर हमें मिलेगा वही एन का मान होगा, एक दो तीन चार, सर चार ही है, चार ही है तो लिख दो बेटा चार, चार प्लस एक, चार प्लस एक कितना हो गया बटे में दो, क्या हो गया चार इंटू पांच बटे में दो, क्या आया दस आया, ये तो छोटा था तब, अब मैं आपको कह दूं, बताओ भाई एक दो तीन चार, 200 तक जोड़ के बताओ, 200 तक जोड़ के बताओ, दिक्कत आ जाएगी बेटा, ऐसे जोड़ोगे ऐसे एक एक करके जोड़ोगे दिक्कत आ जाएगी ना, कितने नंबर हैं सर, अगर ये चार तक है, एक दो तीन चार, अगर ये चार है, क्योंकि ये लास्ट वाला क्या है बेटा चार है, क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल सर क्लियर है, एक दो तीन चार, ये क्या है सर 200, क्या है सर 200 है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, एन का मान कितना होगा सर 200 है, फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में रखो, 200, 200 प्लस एक बट्टा दो, 201, तो 200, क्लियर है क्या 20,000, सो क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, क्या आप समझ पा रहे हो क्या बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बता रहा हूँ, प्रथम प्राकृत संख्या है, लेकिन याद रखना इसमें एक कंडीशन है बेटा, मैंने एक चीज लिखी है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, ये चीज लिखी है क्या सर, बिल्कुल लिखी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये एक से स्टार्ट होना चाहिए, किससे बेटा एक से स्टार्ट होना चाहिए और कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, अच्छा इस पे एक कंसेप्ट होगा, विषम प्राकृत संख्या, फिर सम प्राकृत संख्या, फिर प्राकृत संख्या, प्रथम अन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम अन प्राकृत संख्याओं के गणों का योग पढ़ेंगे, अच्छा आप समझ पा रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए बेटा, उस पे टेस्ट आपको डाल दिया जाएगा, अब जो टॉपिक आपका वर्ग चल रहा है उसमें बेसिक बातें कर चुके हैं, उसके बाद में मैंने आपको गुणधर्म बता दिए हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका भी बता दिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेथड तीनों मेथड कर लिए हैं, अच्छा फिर मैंने ये भी बताया कि 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स यानी स्टेटमेंट याद कर रहे हैं जो आप परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जो आपको फैक्ट्स लिखाए जा रहे हैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है, आपको करना क्या है, केवल केवल ये चीजें ध्यान से पढ़नी है, रिवाइज करनी है बेटा, वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखिए, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेक्निकल टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे यही मुझे आशा है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, संस्था परिवार से जुड़िए, SMG सैनिक स्कूल अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जो वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपडेट रहिए बेटा, एग्जाम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें होगी आपके साथ शेयरिंग मोड पे डाली जाएगी, आप उसे कम्युनिटी बॉक्स में देख सकते हैं, आपको क्या करना है अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, चैनल से जुड़ते रहिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है बेटा आपको क्या है कंपटीशन का ही एक दौर है, इसमें क्या है जो लगातार पढ़ाई करेगा वही सफल होगा, ऐसे नहीं है बेटा कि आज पढ़ लिए अब संडे तक की छुट्टी है, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना होगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट करना होगा, ठीक है, आप लगातार मेहनत करिए और मेहनत करोगे तो आप एक दिन मंजिल को जरूर पालोगे, ठीक है, आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करते रहेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे, क्वेश्चन में भी यही होता है बेटा, अगर हम उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, यदि हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझ पाएंगे तो हम क्या है उस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे, ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।